और इसीलिए मुझे आपसे कहना है कि इस खोज में आपको कुछ करना नहीं है। जैसे कहते हैं कि हम इंसान हो गए, हमने क्या किया जो इंसान हो गए? जिस शक्ति के कारण हम इंसान हुए हैं उसी शक्ति के कारण हम अवलिया भी हो सकते हैं और हम संत भी हो सकते हैं। वही शक्ति आपके अंदर विराजमान है। जैसे अब एक ये इंस्ट्रूमेंट और इसमें आप देखिए कि ये कनेक्शन है, अगर इसका कनेक्शन नहीं लगाएं आप मेंस से तो इसका क्या अर्थ है? बेकार चीज। इसी प्रकार मनुष्य का कनेक्शन जब तक उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की इस प्रेम शक्ति से नहीं होता है तो वो बेकार। मैं कोई बात एक हिंदू धर्म की या सिखों की नहीं कर रही हूँ, मोहम्मद साहब ने खुद ये कहा कि जब कियामा का समय आएगा, कियामा माने रेजरेक्शन टाइम, उस वक्त आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे। यही सहयोग में होता है। जब आपका योग घटित होता है माने कनेक्शन हो जाता, उस वक्त आपके हाथ में पहली मर्तबा आप महसूस करते हैं ये चारों तरफ फैली हुई रूह को, चारों तरफ फैली हुई परम चैतन्य की शक्ति को, और आप महसूस करते हैं धीरे धीरे धीमी धीमी ऐसी आपको लगता है धीमा धीमा अंदर ऐसा कोई प्रवाह सा आ रहा है। इस योग को ही योग कहना चाहिए। बहुत से लोग आजकल बहुत सारे ऐसे सर के बल खड़े होने के भी बड़े योग करते रहते हैं। अगर पातंजलि को पढ़ें आप तो इतनी बड़ी किताब है, और उस किताब में उन्होंने आसन आदि जो है वो अष्टांग योग में से एक योग में से थोड़ा सा हिस्सा है, और वो भी उन्होंने कहा है कि जिस वक्त आप उस स्थिति में पहुंच जाएं तब उसको सोच करके इस्तेमाल करना चाहिए कि आपको कहाँ शिकायत है, कौन से चक्र में शिकायत है। माने आपके अगर पेट में शिकायत है और कोई आप ऐसा चक्र कर रहे हैं जो ऐसा आप कोई कहते हैं उसे अष्टांग में कोई सा भी एक तरह का ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जिसका संबंध आपके पेट से नहीं, समझ लिया आपने सर के लिए उन्होंने बताया ये आसन करो, और आप सर का आसन कर रहे हैं तो फायदा क्या, पेट तो वैसे के वैसे रह जाएगा। बड़े साइंटिफिकली बताया, पर कोई पातंजलि को नहीं पढ़ता। आजकल तो इतनी बीमारी निकल आई है इसकी कि जहाँ देखो वो फिर आके कहते माँ हमें हार्ट अटैक आ गया, हमें ये बीमारी हो गई। अरे भाई उसकी समझ तो लो, क्या करते थे तुम? हम रोज सर पे के बल खड़े हो जाते थे, काहे के लिए, क्या हो गया था? किसी ने कुछ बता दिया वही करने लग जाते। इसका बड़ा ही सुंदर पूरा ही जिसको कहते हैं कि संपूर्ण में टोटालिटी में समझना चाहिए। मनुष्य कोई पेट नहीं है, नाक नहीं है, हाथ नहीं है, टोटालिटी में वो क्या है, पूरी तरह से क्या, पूरी तरह से वो शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार और संस्कार आदि सब कुछ है, और सबसे परे वो आत्मा है। यही उसकी पूर्णता है। एक छोटी चीज इधर पकड़ ली, एक उधर पकड़ ली, फिर उससे आपके अंदर का संतुलन, बैलेंस टूट जाता है, और फिर उससे बीमारियां शुरू हो जाती। मुझे सुन के खुशी हुई कि यहाँ बहुत से डॉक्टर लोग भी आए हुए हैं और वो जानना चाहते हैं कि सहयोग से बीमारियां कैसे ठीक हो जाती। कल सवेरे इनको क्यों ना बुला लिया, अच्छा रहेगा कि मैं अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो कल सवेरे आप लोगों से कहीं मिल लूँ, क्योंकि अब सबको डॉक्टरी से बोर नहीं करना चाहिए। अगर डॉक्टर लोग चाहें तो मैं उनसे मिलना चाहूँगी, जहाँ भी कहें कल सवेरे 10 बजे अगर उनको समय हो तो ये जब कुंडलिनी आपकी इन 6 चक्रों में से गुजरती है
तो इनको वो प्लावित करती, नरिश करती है, उनको प्रकाश देती है। और अंत में ये जो यहाँ पे सातवां चक्र है उसका भेद करती, इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, ये ईसाई लोग इसको बैप्टिज्म कहते हैं। पर बैप्टिज्म जो कोई भी आए सर पे हाथ रखे भाई तेरे को क्रिश्चियन बना दिया, उससे हो जाता है क्या? विलियम ब्लेक कहते हैं प्रीस्ट कर्स्ड ऑन माय हेड। उसकी वजह यह है कि ब्रह्मरंध्र बहुत शुद्ध जगह है और कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा उसमें हाथ नहीं लगा सकता। पर उनका अब हो गया, आप क्रिश्चियन हो जाइए, मुसलमान हो जाइए, सिख हो जाइए, कुछ भी हो जाए, हिंदू हो जाए, कोई सा भी पाप आप कर सकते हैं, आप में धर्म का कौन सा बंधन है? मैं आपसे बताऊं, मैंने तो ऐसा कोई देखा नहीं कि जो धर्म के बंधन में फंसा हुआ, धर्म तक जागरूक जब नहीं है तो आगे की बात कैसे हो सकती। लेकिन संतों में धर्म जागृत हो जाता, उसके बाद वो कोई ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता जिससे हम अधर्म कहते, कर ही नहीं सकते। और दिखता है कभी कभी कि एक ऐसा कार्य कर रहे हैं तो भी वो धार्मिक होता है, क्योंकि उस वक्त आप समझ जाते हैं कि गलत क्या और सही क्या, और ये भी समझ जाते हैं कि जो गलत काम आप करेंगे वो आपके नाश की ओर आपको ले जाए। इसको आप सिर्फ बुद्धि से नहीं जानते, एक बात समझ लीजिए, ये आत्मसात अंदर से आप महसूस करते हैं। अब यहाँ जो इतने लोग बैठे हैं परदेसी, इनमें से काफ़ी लोग, क्योंकि इन लोगों के यहाँ तो कोई धर्म है ही नहीं ना, ड्रग्स लेते थे और पार हो गए और उस दूसरे दिन से ड्रग्स छूट गए। अब किसी से कहिए शराब मत पियो, हो गए आधे लोग उठ के चले जाएंगे। मैं कहती नहीं, यही कहती हूँ कि जागृति करा लो। जैसे कि हमारे हाथ में एक सांप और हम जिद्दी हैं, आप कहेंगे कि साहब ये सांप नहीं, ये सांप है, इसमें आप क्या हाथ में पकड़े, हम कहें नहीं ये तो डोर है, हमें दिखाई नहीं देता, अंधेरा, आप कितना भी कहें हम नहीं छोड़ेंगे, जब तक सांप काट न ले हम छोड़ेंगे नहीं, और तब भी छोड़ कहाँ सकेंगे। लेकिन जब आपके अंदर थोड़ा सा भी प्रकाश आ जाता है फौरन आप अपने आप ही छोड़ देते। यही प्रकाश, आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में आना चाहिए। धर्म की कोई सी भी चीज हम अकस्मात करने लग जाते हैं। जैसे ईसा मसीह ने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी गहन और बहुत ही सूक्ष्म, कि thou shalt not have adulterous eyes, तुम्हारी आँख में इतना इतनी स्वच्छता होनी चाहिए, इतने खालिश होनी चाहिए आँख आपकी, कि आँख से कोई भी चीज़ से लोभ या किसी भी तरह का मोह नहीं होना चाहिए। अब ये बताइए कि जो जो ये क्रिश्चियन नेशंस हैं वहाँ ऐसा है? बिल्कुल नहीं। कारण ये है कि ये सब जबानी जमा खर्च हो गया, लेकिन जब आपकी जागृति हो जाती तो आंख में एक चमक आ जाती और उसके बाद आंख अपने आप बिल्कुल अबोध इनोसेंट हो जाती, और इतनी शक्तिशालिनी होती है ये आंख कि आप जिसके ऊपर नजर करें वही मेहर हो जाती। ये सब करने का आज समय आ गया। इसमें मेरा कोई विशेष मैं नहीं मानती, सब चीज़ समाज से होती है। जो समय संतों का कार्य करने का था वो समय आ गया, उसमें उन्होंने मेहनत की। अवतरणों का जो काम था वो उन्होंने किया और उस पर मेहनत की। आज ये समय आ गया है कि सबकी जागृति करनी है। एक ही फर्क हो सकता है जिसे आप कह सकते हैं कि आज सामूहिक जागृति होती, यह समय की विशेषता है। मैंने कहा यह कियामा है, कियामा का समय,
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।